गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप बनाने वाला हूँ मैं। आज मैंने एक वीडियो जो बनाया अभी मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने बेंगलोर एरिया में बेंगलोर के नज़दीक 5 जगहों का चुना है जो देखने लायक है, जो वीकेंड ट्रिप है। आप जाना चाहते हैं आप जाइए, इंजॉय कीजिए। ये जगह है जैसे रामनगर। रामनगर एक ऐसा जगह है जहाँ 16 पिक्चर बनाया गया था, जहाँ पिक्चर में हम लोग रामगढ़ का नाम सुने हैं वही रामनगर है, वो बेंगलोर में है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से अराउंड 50-55 किलोमीटर, हार्डली 60 किलोमीटर होगा। बहुत बढ़िया जगह है, एकदम गब्बर सिंह का इलाका, पत्थरीला पहाड़ वगैरह, गाँव विलेज एवरीथिंग। दूसरा मैंने ईशा फाउंडेशन को दिखाया है। ईशा फाउंडेशन में नया नया सतगुरु महाराज ने यहाँ कंस्ट्रक्ट करवाया, यहाँ बनाया है, जहाँ शंकर भगवान का जो स्टैचू 112 फीट है और लाइटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, उसको एक बार ज़रूर देखिए। तीसरा हमने एक पिरामिड वैली का को दिखाया है। पिरामिड वैली जो इंटरनेशनल पिरामिड वैली बोला जाता है, जो वर्ल्ड में गिने चुने जगहों को लेकर यह बनाया गया है। ये इंडिया में सबसे बड़ा पिरामिड है जो गौतम बुद्ध भगवान के द्वारा का पूरा गौतम बुद्ध को ही समर्पित किया गया है। वहाँ मेडिटेशन सेंटर है, गौशाला है, बोट्स सिस्टम है, बहुत बेहतरीन जगह है और एकदम जंगल में बनाया गया है, एकदम नेचुरल साइट में बनाया। इसके बाद मैंने एक अजूबा पर्वत दिखाया है, वेंकटेश्वरा हिल्स। वो क्या है, वो ऐसा पहाड़ है, ऐसा पर्वत है, श्रीलंका से थोड़ा सा आगे है नेशनल हाईवे पे, NH 44 के बगल में राइट साइड में जाएंगे तो मिलेगा। उस पत्थर पूरा पत्थर का पहाड़ है और उस पहाड़ के पत्थर के बीच से पानी का सोर्स आता है, पानी बहता रहता है, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। इसके बाद सावन दुर्गा है जहाँ ट्रैकिंग होता है, बड़ा भयानक ट्रैकिंग होता है, हमारी तो हिम्मत नहीं होती देख के, बट लड़के हैं यंगस्टर्स हैं करते हैं। वो वहाँ मंदिर बना हुआ है और एक पत्थर का ही बहुत बड़ा माउंटेन है, वहाँ ट्रैकिंग की जाती है। तो इस तरह से 5 जगहों को हमने बड़े अच्छे ढंग से सजा करके आपके सामने रखा है, आप प्लीज़ इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। वही है, बस बस दब गया। हाँ दब गया। ये देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती, आजकल लोग सीढ़ी बना दिया है, वैसे पहले नहीं था। और हम लोग देखिए नीचे से आए। यहाँ के पंडित का मानना है कि 400 सीढ़ियाँ हैं और जो सांबा वगैरह बैठा रहता है ना, वो ये छोटी है, एकदम नज़दीक से दिखा रहा हूँ। आजकल तो झाड़ और वो पेड़ पौधे हो गए हैं, बस उधर बैठा रहता है। और इसके दूसरे किनारे से, उस पत्थर से गब्बर सिंह बैठ कर, ये पेड़ के उस तरफ है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, कोशिश करता हूँ पर झूम हो जाए तो दिखा पाऊँ। देखिए पेड़ों के बीच में उधर बैठ कर पूछता रहता है। इनका मशहूर डायलॉग, कितने आदमी थे, इनको भी दे दो तुम। कुछ स्टोरी है, कुछ बता रहा है, बोल भी रहा है, बहुत कम साउंड में। अभी देखो, अभी देखो।
यार देखो कैसा उसी का पूरा है आ गया माला आ गया इधर लेडीज के इधर ब्लैक है वो मूर्ति का कलर फिर भी देखिए क्या मस्त लाइटिंग हो रहा है वाइट में नहीं होता इतना अच्छा हाँ के गले में मछली कुछ दिखा रहा है क्या? हाँ कुछ है कुछ तो है जो समुद्र मंथन हुआ ना वही दिखा रहा है कोई जीव है अब देखो साफ करो नीचे देखो नीचे पूरा वर्ल्ड दिखा दिया नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश सच में लग रहा है
बारिश आने वाली थी ही, एक्चुअली बारिश स्टार्ट हो गई। बस बारिश का मजा लेते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पहाड़ी रास्ता, घुमावदार रास्ता, ये देखिए बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। मजा आ रहा है एक्चुअली, बारिश का ड्राइविंग तो मजा आता ही है, सब लोग जानते हैं। ये देखिए सामने विजिबिलिटी कम हो गई है, देखिए बारिश, ये जोर से बारिश आ रही है। हेडलाइट ऑन कर दिया, क्या बारिश था, मजा आने लगा। मेरा वाइपर ऑटोमेटिक कितना स्पीड में काम कर रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना अंधेरा दे रहा है ना, कितना शांति है, यहाँ से कुछ भी नहीं बोल रहा है, बहुत चुपचाप है। कितना कंपनी क्या आके आराम से तीन चार दिन देखना है, फिर हमें जाना है। चलिए ओके, बाय बाय भैया।
ये देखिए दोस्तों सावन दुर्गा, ये पहाड़ जो देख रहे हैं आप, पहाड़ के ठीक नीचे एक मंदिर है जहाँ लोगों की भीड़ है, और ये पार्किंग प्लेस है। देखिए हमारी गाड़ी भी यहाँ लगी हुई है, और इस तरफ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल है, पूरी हरियाली है। और ये रास्ता, ये रोड फिर ये ले जाता है। ये देखिए आपको, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने का। ये देखिए ये पहाड़, ये पर्वत, यही सावन दुर्गा के नाम से ये देखिए सावन दुर्गा। हम अभी मंदिर के परिसर में हैं, और मेरे बगल में पूरी पहाड़ है। देखिए मेरे पीछे से आपको दिखाई देगा, ये देखिए पूरा ऊंचा पहाड़, यही सावन दुर्गा है। चलते हैं दोस्तों, अब अगला जगह में आपसे मुलाकात होती है, तब तक इसको विराम देते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। हमारी मैडम वो बैठी हुई है, इसका तो क्या कहना है, देखो क्या मुस्कान है। ये आगे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके फिर आगे निकलेंगे। ये जगह इलंका से थोड़ा सा पहले पड़ता है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोई है बड़ा सा, उसके सामने हम लोग रुके हुए हैं। यही वो पहाड़ है जिसको देखने के लिए हम लोग जलाली से इलंका आए हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है, मंदिर है। ये है मंदिर का रास्ता, और ये इसमें पानी का थोड़ा सा बारिश की वजह से स्लिपरी हो गया है। वैसे ये देखिए इसकी सीनरी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। वीकेंड के लिए तो मस्त है, वीकेंड में आके आप एंजॉय कर सकते हैं, दिन बिता सकते हैं। ये देखिए इधर इधर वो कमल की डंटी निकाल रहे हैं लोग यहाँ पे तालाब में जो होता है ना। ये देखिए आड़ी पत्थर है, उसी के ऊपर में मंदिर वंदिर बना दिया गया है। ये देखिए ये विद्यानगर पड़ता है जगह का नाम, ये लंका से आगे है। वीकेंड के लिए बहुत बढ़िया जगह है, फुल रिलैक्सेशन हो सकता है। ये देखिए ये पहाड़, चट्टान के ऊपर इतना बड़ा कुछ बना हुआ है, अभी देखते हैं क्या है बना हुआ। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, ये एक्चुअली आपको गूगल में नहीं मिलेगा, ये बस मैं रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिया और बस निकल पड़े। ये देखिए ये नज़ारा है आधे दूर आने के बाद, और ऊपर है। परत दर परत ऐसा बन गया है, पक्का स्लिपरी हो गया है। ये देखिए हमारी बेटर हाफ थक गई है, थक के यहाँ बैठी हुई है। 55 सीढ़ी ना, वो भी बड़ी बड़ी सीढ़ी, 55 मतलब 110। ये देखिए इसके ऊपर में पत्थर कैसे कट गया, और ये लगता है कि बड़ा बड़ा वाटर रिजर्वर बना है कि क्या है, हम बता नहीं सकते, देखते हैं ऊपर जाके बता पाऊंगा मैं। ये देखिए ये ऊपर से नीचे का नजारा है। ये देखिए ये रास्ता है जिसमें हम लोग धीरे 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 बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, पक्का फिसलने वाला पत्थर है। कि इस पत्थर के पहाड़ के अंदर से पानी निकलता है, ये देखिए आपको दिखाई देगा, ये आप सामने देखिए, ये देखिए यहाँ से पानी का बहाव पत्थर के नीचे से, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे से, ये देखिए ये ड्राई एरिया है, और ये देखिए पानी का बहाव, इससे पानी बहता रहता है, कहीं भी देखेंगे इससे पानी बहता। तो देखा दोस्तों, ये पांचों जगह बहुत बढ़िया है, आप इसको आपने देखा, एक बार जाके ट्राई कीजिए, वीकेंड बनाइए, फैमिली के साथ हो, कपल्स हो, फ्रेंड हो, सोलो हो, अकेले हो, आप जाइए एंजॉय कीजिए, और
मेरे तरफ से आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और उसको फैमिली दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाइए सो दैट वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, फिर मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।